इतिहास के पन्नों में हर दिन किसी ना किसी खास घटना से जुड़ा होता है। ऐसे में 27 सितंबर के दिन भी कई बड़ी घटनाओं ने देश और दुनिया पर अपनी छाप छोड़ी। आज के दिन 1988 में फर्राटा धावक बेन जॉनसन को प्रतिबंधित पदार्थ के सेवन के कारण सोल ओलंपिक खेलों से निकाला गया था। उनका 100 मीटर दौड़ में जीता गया स्वर्ण पदक वापस ले लिया गया था। देश दुनिया के इतिहास में 27 सितंबर की तारीख पर दर्ज अन्य प्रमुख घटनाओं का सिलसिलेवार ब्यौरा इस प्रकार है। आज ही के दिन 1781 में हैदर अली और ब्रिटिश सेना के बीच सालनगढ़ की मशहूर लड़ाई लड़ी गई थी। भारत के प्रसिद्ध समाज सुधारक राम मोहन राय का निधन आज ही के दिन 1833 में इंग्लैंड के ब्रिस्टल में हुआ था। सरदार पटेल के बड़े भाई एवं प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी विट्ठल भाई पटेल का जन्म आज ही के दिन 1873 में हुआ था। आज ही के दिन 1918 में ब्रिटिश सेना ने पहले विश्व युद्ध के दौरान वेस्टर्न फ्रंट पर अंतिम आक्रमण के तहत हिंडनबर्ग लाइन पर हमला किया था। भारतीय फिल्मों के प्रसिद्ध निर्देशक एस चोपड़ा का जन्म आज ही के दिन 1932 में हुआ था। भारत की प्रसिद्ध धार्मिक नेता माता अमृतानंदमयी का जन्म आज ही के दिन 1953 में हुआ था। आज ही के दिन 1964 में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या की जांच करने वाले वारेन आयोग ने अपने निष्कर्ष सार्वजनिक किए थे। मध्य प्रदेश के प्रमुख सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता ब्रिजलाल बियाड़ी का निधन आज ही के दिन 1968 में हुआ था। आज ही के दिन 1970 में जॉर्डन के शाह और फलिस्तीन मुक्ति संगठन के नेता के बीच काहिरा में एक सम्मेलन के दौरान संघर्ष विराम पर सहमति बनी थी। प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री एस आर रंगनाथन का निधन आज ही के दिन 1972 में हुआ था। पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी लक्ष्मीपति बालाजी का जन्म आज ही के दिन 1981 में हुआ था। आज ही के दिन 1988 में अमेरिकी अंतरिक्षयान डिस्कवरी का केप कैनेवरल से प्रक्षेपण किया गया था। 1988 में आज ही के दिन फर्राटा धावक बेन जॉनसन को प्रतिबंधित पदार्थ के सेवन के कारण सोल ओलंपिक खेलों से निकाला गया था। आज ही के दिन 1995 में कलकत्ता मेट्रो का टॉलीगंज और दमदम के बीच पूर्ण क्षमता से परिचालन शुरू हुआ था। 1996 में आज ही के दिन मोहम्मद उमर के नेतृत्व में तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया और अफगानिस्तान को इस्लामी राष्ट्र घोषित किया था। प्रसिद्ध भारतीय ठुमरी गायिका शोभा गुरटू का निधन आज ही के दिन 2004 में हुआ था। आज ही के दिन 2005 में बिल गेट्स लगातार 11वें साल दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति बने थे। 2007 में आज ही के दिन परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति चुनाव के लिए पर्चा भरा था। आज ही के दिन 2008 में चीन के अंतरिक्ष यात्री झाई झीगांग ने पहली बार अंतरिक्ष में चहलकदमी की थी। हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध पार्श्व गायक महेंद्र कपूर का निधन आज ही के दिन 2008 में हुआ था। आज ही के दिन 2020 में देश के तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 3 कृषि विधेयकों को मंजूरी दी थी। आज के इतिहास में बस इतना ही। कल का इतिहास लेकर पुनः हाजिर होंगे। नमस्कार।